जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले सेल एग्रीमेंट करते हैं। सेल एग्रीमेंट का मतलब हम एक कुछ पैसा एडवांस देते हैं और कहते हैं कि अभी हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं और कुछ टाइम पीरियड के अंदर हम आपको बाकी पैसा देंगे ताकि आप हमारे नाम पे सेल डीड यानी रजिस्ट्री करवा दें। आपको पता है सेल एग्रीमेंट में एक छोटी सी गलती पूरे की पूरे ट्रांजेक्शन को ख़त्म कर सकती है और आपको अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब वो गलती क्या है, सेल एग्रीमेंट क्या होता है, सेल डीड क्या होता है, इसके पीछे का पूरा कानून क्या है, इसको आज इस डिटेल वीडियो में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क और रिसेंट जजमेंट से, जो हम आपको बताएंगे कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए सेल एग्रीमेंट करते समय ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ नहीं गंवाएं। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील भाई एडवोकेट नमन भनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो प्रॉपर्टी लॉ पर, मैट्रिमोनियल लॉ पर, चेक बाउंसेस पे और लॉ की हर स्ट्रीम पे डिटेल में वीडियो बनाता है, जागरूक करता है आपको लॉ की हर छोटी सी बड़ी जानकारी से और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है या आपको कहीं लीगल ओपिनियन चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम से बात कर घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान अब पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट, सेल डीड और उसके पीछे के कानून की और फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम सेल एग्रीमेंट को प्रॉपर करें ताकि हमें अपनी प्रॉपर्टी से हाथ गंवाना ना पड़े। अब उस केस को डिस्कस करें सुप्रीम कोर्ट के, उससे पहले उसका नाम जान लेते हैं, फिर उसके फैक्ट्स की बात करेंगे, फिर इसके पीछे लॉ की। तो बलराम वर्सेस केलो देवी 2022 सुप्रीम कोर्ट, इस जजमेंट का नाम है, नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर जाकर चाहे तो जजमेंट पूरा पढ़ भी सकते हैं। इस केस में ये हुआ, 1996 में एक सेल एग्रीमेंट होता है जहां केलो देवी बलराम जी से एक प्रॉपर्टी खरीदती है। केलो देवी जो कि बायर थी प्रॉपर्टी की और बलराम जी जो प्रॉपर्टी के सेलर हैं, केलो देवी और बलराम जी के बीच में एक प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन की डील होती है और एक एग्रीमेंट टू सेल साइन होता है। 1996 में ये एग्रीमेंट टू सेल साइन होता है जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि अभी केलो देवी जी 14,000 रुपीज़ देगी बलराम जी को और उसके बदले वो प्रॉपर्टी का पोजेशन लेगी और फ्यूचर में एक डेट के बाद वो बाकी पैसा जमा करा के डिपॉजिट करा के सेल डीड एंड रजिस्ट्री अपने नाम पे कराएगी। 14,000 दिया, सेल एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया 1996 में, साइन किया और प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया। लेकिन इस बीच में सेल एग्रीमेंट होने के बाद जब रजिस्ट्री की बारी आई, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो बलराम जी ने कहा कि मुझे ये एग्रीमेंट को आगे नहीं ले जाना, मुझे कोई सेल डीड नहीं करनी, कोई रजिस्ट्री नहीं करनी, आप इस प्रॉपर्टी को मुझे वापस दे दो। लेकिन केलो देवी जी ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। अब जब डिस्प्यूट आगे बढ़ा तो केलो देवी जी को लगा कि बार बार ही मेरे प्रॉपर्टी में जिसको मैंने ले लिया है एग्रीमेंट टू सेल से बार बार आके मुझे परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने काम किया, उन्होंने कंसर्न सिविल कोर्ट में गए और उन्होंने सूट फॉर इंजंक्शन डाल दिया। दोस्तों सूट फॉर इंजंक्शन एक इस तरह की रेमेडी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी पोजेशन में कोई थर्ड पर्सन अगर किसी भी तरह से इंटरफेयर कर रहा है तो आप उसको कोर्ट के ऑर्डर यानी कोर्ट के डिक्री के थ्रू उसको रोक सकते हैं। तो उन्होंने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर दिया। अब वहीं जहाँ केलो देवी जी ने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया, वहीं बलराम जी ने फाइल किया सूट फॉर पोजेशन। सूट फॉर पोजेशन का मतलब ये था, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि ये प्रॉपर्टी जो दी वो मेरी है, मुझे दी जानी चाहिए, अभी सेल एग्रीमेंट इफेक्टिव नहीं है तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी का वापस पोजीशन दिलाया जाए। तो ये दोनों सूट नीचे की सिविल कोर्ट में फाइल हुए। सिविल कोर्ट ने दोनों सूट को जब डिसाइड किया तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि केलो देवी को ये प्रॉपर्टी वापस बलराम जी को देनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्रीमेंट टू सेल उन्होंने 1996 में किया था वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं था, वो सिर्फ उन्होंने 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर किया था। यानी ट्रायल कोर्ट ने ये माना कि जो 10 रुपये के स्टाम्प पे अगर आप ये जो सेल एग्रीमेंट करोगे यानी जो एग्रीमेंट टू सेल आप जो एग्जीक्यूट करोगे वो किसी भी तरह से लीगली वैलिड नहीं होगा, उसकी कानून में किसी भी तरह की कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर केलो देवी जी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील दोनों वो जीत गई और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने माना कि जो सेल एग्रीमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, इसलिए वो वैलिड है और नीचे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलत है। और फाइनली केलो देवी के फेवर में उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा था कि जो सेल ऑफ एग्रीमेंट हुआ था अगर उसको स्टाम्प पे लिया गया है यानी उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा या नहीं। अब बलराम ने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट रेज किए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कि जो एग्रीमेंट टू सेल था, जो हमने एग्रीमेंट टू सेल उस केलो देवी से किया है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो सिर्फ स्टाम्प पे लिया गया 10 रुपये के स्टाम्प पे, तो वो वैलिड कैसे हो सकता है। और सेकंड जो सबसे बड़ा उनका कंटेंशन था कि उस लेडी ने इंटरेस्टिंगली सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं किया जबकि उन्होंने फाइल किया सूट फॉर इंजंक्शन।
दोस्तों सूट फॉर इंजेंशन और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी आपको डिफरेंस बता देते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब हम फाइल करते हैं जब हमको लगता है कि कोई स्पेसिफिक एक्ट किया जाना है और अगली पार्टी नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने और मैंने एक सेल एग्रीमेंट हुआ जहां मैंने बोला कि आपको मैं ये प्रॉपर्टी दूंगा, आप मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दो, और उस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए मैं बाद में प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करता हूं, तो आप मेरे खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालोगे कोर्ट में जाकर और ये बोलोगे कि डायरेक्शन दी जाए मुझे कि प्रॉपर्टी मेरे नाम करें क्योंकि आप पैसे देने को तैयार हो। अब यहां पर जो केलो देवी जी थी उन्होंने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनके पास कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं फाइल कर सकते। इसलिए इन्होंने इंटरेस्टिंगली अपनी ड्राफ्टिंग को क्लेवरली ड्राफ्ट किया और उसमें सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करा, और क्योंकि उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया था तो वो आराम से उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुद्दों को डिस्कस किया। सबसे पहला मुद्दा जब आया सेल एग्रीमेंट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। अगर आपने सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराया है, 10 रुपए के स्टाम्प पे लिया है, तो इस सेल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू है ही नहीं। इससे ही बात पता लगती है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी सेल एग्रीमेंट करें तो आप हमेशा उसको रजिस्टर्ड कराएं, स्टाम्प पेपर पे करने पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन इसमें ग्लिच है जो मैं आपको एक वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर नहीं किया। लेकिन अब हम बात करते हैं सेकंड आर्गुमेंट की। सेकंड आर्गुमेंट जो था कि जो उन्होंने क्लेवरली ड्राफ्टिंग करी और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं किया जबकि सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी उनसे सहमत हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस आप सही कह रहे हैं कि जब उनको पता था कि उनके पास एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर वो कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने जानबूझ के सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया, तो कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं ले सकते आप उसको इनडायरेक्टली भी कोर्ट से नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बलराम जी की जो अपील थी उसको अलाउ किया और बोला कि यस आपको वापस पोजीशन दिलाया जाएगा क्योंकि जो एग्रीमेंट नीचे सेल एग्रीमेंट हुआ था वो अनरजिस्टर्ड था। तो दोस्तों आज हमको एक बात पता लगी कि सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी है और ऐसे टाइम पे आपको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालना है, ना कि सूट फॉर इंजंक्शन। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ग्लिच है, तो मैं आपको आज उस पर क्लियर कर दूं कि हमारा ये टेक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात तो कही कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट उन्होंने यहाँ पे इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया कि ये कुछ कुछ स्टेट्स में ही मैंडेटरी है। यानी सिंप्लीफाई भाषा में करूं तो आपको अपने स्टेट का एक्ट देखना पड़ेगा। अब ये मैटर आया था यूपी से, यूपी के अंदर सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है क्योंकि यूपी के स्टेट लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने स्टेट में देखना पड़ेगा कि सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना जरूरी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में है, ऐसे अगर आपके स्टेट में भी है या आप यूपी से हैं तो रजिस्टर करना जरूरी है, तो पहले रजिस्टर करवाइए। अगर आपने सेल एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया तो आपके उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हमें लगता है कि शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये क्लैरिफाई और करना था क्योंकि जिन स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे आप नहीं भी कराएं तो चलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई आपको डिस्कस करना है, ओपिनियन चाहिए, नीचे लिंक पर क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगेन अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।